जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में लगभग प्री मानसून का सीजन शुरू हो चुका है और इस सीजन में कहीं कहीं पर भारी बारिश, हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी, इनके अलावा तेज हवाएं चलती है या फिर आकाशीय बिजली गिरती है और इन्हीं आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मवेशी या फिर कई लोगों की जानें भी जाती है। ऐसी एक खबर सामने आ रही है छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से, तो ऐसे में आप सभी सावधान रहिए। जी हाँ, दरअसल आकाशीय बिजली की चपेट में 13 साल के बच्चे की मौत हो गई। बता दें कि छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आने की वजह से 13 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मौसम खराब हुआ और बिजली चमकने लगी थी। उस वक्त बालक क्रिकेट खेलकर घर की तरफ लौट रहा था, तभी अचानक मृतक योगेंद्र यादव जल्द घर पहुंचने के लिए दौड़ रहा था, फिर दौड़ते दौड़ते वो गिर गया और बिजली की चपेट में आ गया, जिसके बाद उसे 108 के जरिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हालांकि हॉस्पिटल में उसे मृत घोषित कर दिया गया है, जहां पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों को सौंप दिया है।